शायद ये पहला ऐसा एक्सपेरिमेंट होगा जो पहले इंसानों पे किया गया और फिर जानवरों पे। एक समय ऐसा था जब लोगों का ये मानना था कि गे होना एक बीमारी है जिसे ठीक किया जा सकता है। और कैसे ठीक किया जा सकता है, उसका आधार था 9 महीने के बच्चे पे चला 2 महीने तक एक एक्सपेरिमेंट। इस बच्चे का नाम था एल्बर्ट और ये गरीब घर से था और शायद इसीलिए किसी ने इस बच्चे पर एक्सपेरिमेंट करने पे आपत्ति नहीं करी। एल्बर्ट एक सामान्य बच्चा था और सामान्य सिचुएशंस में वो कैसे रिएक्ट करता है ये देखने के लिए पहले उसे एक सफेद चूहे से, एक कुत्ते से, एक बंदर से, एक मुखौटा लगाए इंसान से और फिर एक खरगोश से मिलवाया गया। एल्बर्ट किसी ऐसे बच्चे की ही तरह जिसके मन में माँ बाप ने बेकार का डर नहीं डाला, इन सभी से अच्छे से मिला और उसने इनके प्रति एक उत्सुकता, एक इंटरेस्ट जाहिर किया। इसके बाद वैज्ञानिकों ने एक्सपेरिमेंट शुरू किया। एल्बर्ट को फिर से चूहे से मिलवाया गया, लेकिन अब की बार जब भी एल्बर्ट चूहे के पास जाता तो वैज्ञानिक लोहे की एक पाइप पे हथौड़ा जोर से मार के एक आवाज करते जिससे एल्बर्ट घबरा के रो पड़ता था। इस जलील हरकत को वो तब तक दोहराते रहे जब तक उन्होंने ये नहीं देखा कि बिना आवाज किए भी एल्बर्ट चूहे को देख के रोना शुरू कर देता है। अब इस एक्सपेरिमेंट का गे होने ना होने से क्या लेना देना, उस पे आने से पहले मैं आपको बता दूं कि ऐसे एक्सपेरिमेंट समाज में आज भी जारी हैं और समाज को नुकसान पहुंचाते हैं, मैं उस पे भी अभी आऊंगा। एल्बर्ट के अंदर एक ऐसी चीज के प्रति भय पैदा कर देने के बाद जो उसके लिए सामान्य थी, कुछ समय बाद यही एक्सपेरिमेंट गे लोगों पे दोहराया गया। कुछ ऐसे लड़के जिनके लिए और लड़कों को पसंद करना सामान्य था क्योंकि वो ऐसे ही पैदा हुए थे, उनको और लड़कों की तस्वीरें दिखाई गई और साथ में बिजली के झटके दिए गए। इससे ठीक तो उन्होंने क्या ही होना था, क्योंकि आखिरकार गे होना कोई बीमारी थोड़ा ही है। उनके मन में एक असामान्य भय अलग बैठ गया। और कुछ ऐसे ही एक्सपेरिमेंट हम अपने घरों में अपने बच्चों के साथ दोहराते हैं जब हम उन्हें देखते हैं कि भाई वो किसी कुत्ते को पुचकार रहे हैं, हम कहते हैं नहीं 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 डॉगी से दूर हटो, इसको दूर भगाओ, और उनके मन में हम एक असामान्य भय पैदा कर देते हैं। पर इसमें हमारी गलती नहीं है, यही भय हमें विरासत में मिला और यही भय हम आगे दे रहे हैं। पर मुझे लगता है कि जानवरों के साथ हमारा क्या व्यवहार होना चाहिए, अगर ये हमने अपने माँ बाप से नहीं सीखा तो शायद ये हम अपने बच्चों से सीख सकते हैं।